नमस्कार, प्रेमवर्धन फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग के साथ जो पटना में होम्योपैथी से गायों का इलाज करते हैं वो हमारे फार्म पे आए हुए थे सरोज जी। हमारी एक गाय को जो है गलकंबल पे घाव हो गया था, तो घाव की ड्रेसिंग वगैरह भी करने के लिए और अपनी दवा के बारे में भी बताने के लिए आए थे। इनकी दवा भी हम लोग 4-5 महीने 6 महीने पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखिए, ये सारी इनकी दवाएं हैं, ये जितनी भी है ये इन्हीं की कंपनी की दवाएं हैं जो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग समय पर इस्तेमाल होती हैं और सबका अपना अपना एक अलग महत्व है, जिसके बारे में सरोज जी बताएंगे। सरोज जी इनका नाम हुआ, पटना के रहने वाले हैं और ख़ास करके इनका जो मेन ये कार्य करते हैं, जो पटना में गाय वैसी रिपीट ब्रीडर्स होती हैं उनको ये परचेज करके अपना अपने घर पे इलाज करके उनके रिपीट ये ब्रीडिंग सिस्टम को ठीक करते हैं, यही इनका मेन लक्ष्य है। और गाय को कम से कम बीमारी और कम से कम खर्च में ठीक किया जा सके, इसके ऊपर ये काफ़ी काम करते हैं। तो ये सारी इनकी दवाएं हैं जिसमें ये कामधेनु है, दूध गंगा है, इस तरीके की दवाएं हैं जो ये अलग अलग बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो सरोज जी, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि दूध गंगा जो है इसका आप ये देखिए, दूध गंगा है इसका इस्तेमाल किस काम में आप लेते हैं गाय को? ये जब कोई गाय प्रेगनेंसी हो जाता है उस समय दूध कम जाता है, उस समय काम करता है, या कोई बीमारी जो वजह से दूध कम गया उसमें ये काम करेगा, दूध को वापस लाने के लिए। दूध वापस लाने के लिए। अच्छा, इसकी कीमत कितनी है? 70, अब 80 रुपया हो गई है। अब 80 है। और ये मतलब ये आपका 5 दिन का पूरा डोज है, 100 गोली का, 100 गोली का 5 पांच दिन ये चलता है इनका। 5 दिन में आपकी गाय जो है पूरे मिल्क पे आती है। तो ये हम लोग के यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद अगला जो है वो है पाचन सुधा। ये पाचन सुधा करके भी, ये भी 5 दिन का ही डोज है? हाँ, नहीं, ये 10 दिन, 5 दिन का डोज है लेकिन इसको 10 दिन लीवर टॉनिक के रूप में देना पड़ता है। अच्छा, 10 गोली पर डे है ना? 5 गोली, हाँ, पर डे। अच्छा, और ये जो दवा है आपका, हाँ, ये किस काम में आता है? ये आपका रूमेन को सही करने में काम आता है, रूमेन का पीएच बैलेंस, हाँ, वगैरह। होम्योपैथी से, हाँ, ये इलाज है। ये अगली जो दवा है इनकी है आर्थोपायरीन। और ऑर्थोपायरीन इसका किस चीज में आप इस्तेमाल करते हैं सरोज जी? मस्टाइटिस में फाइब्रोसिस तोड़ने के लिए। अच्छा, जो मस्टाइटिस थनेला होता, हाँ, है उसमें फाइब्रोसिस तोड़ने, हाँ, के लिए। उसके बाद अगर किसी जानवर को पैर में चोट हो, वहाँ काम, मतलब जो ऑर्थो रिलेटेड, हाँ, समस्या है, हाँ, उसमें, और फाइब्रोसिस तोड़ने, हाँ, के लिए, ठीक है। ये फिर एक अगली दवा हमारे पास है जखम जोड़ी। तो जैसा तो नाम से ही पता चलता है कि ये जो गाय को घाव वगैरह होते हैं उसमें देने के लिए काम आता है। और इसका भी वही 5 दिन का डोज रहा होगा। और ये सारी चीजें जो है 70 से 80 रुपए के रेंज में है ना? 70 रुपए की होगी, 75 की होगी, 80 की नहीं, 70, 60, 80 70, 60 और 80। और ये जखम जोड़ी है जिसको आप, ये भी होम्योपैथी की दवा है। और देखिए, हमारे यहाँ हम अभी इनको इसलिए नहीं बुलाए थे कि इनका हम लोग प्रचार कर सके। ये दवाएं हमारे यहाँ अभी इस्तेमाल हो रही है। राणा जी उधर वो 15 नंबर गाय को दिखा दीजिए, सामने वाली गाय को जो है घाव हो गया था, इसके घाव का इलाज जो है सरोज जी किए हैं। और ये जो गाय है, इस गाय को अभी जो दवा चल रही है वो एक पाइका क्योर करके दवा है, वो चल रही है। देखिए, इस गाय को जो दवा चल रही है वो हम बता देते हैं। ये पाइका क्योर करके एक दवा है, वो चल रही है। एक आर्थोपायरीन चल रही है, एक ये कामधेनु चल रही है, एक इसको थोड़ा सा सांस का भी बोल रहे थे प्रॉब्लम, तो इसको स्वास्थ्य धामिनी भी चल रही है। और इसके अलावा इसको एक जखम जोड़ी, ये 5 टैबलेट्स हैं जो कि अभी 15 नंबर गाय को हम लोग दे रहे हैं। ये सारा भी, ये सब 60, 70, 75, 80 के रेंज के चीज़ है। और ये सब जो डोज है, एक सीसी जो है 5 दिन का डोज है, मतलब 10 गोली सुबह 10 गोली शाम, उससे ज़्यादा आपको देना नहीं है, बस उतना ही देना है। और देखिए, हमारे यहाँ मेस्टाइटिस, जो छोटी मोटी मेस्टाइटिस जब भी हुई हैं तो हम लोग अच्छा रिजल्ट पाए हैं आपको ऑर्थोपायरीन, और साथ में ऑर्थोपायरीन के साथ ये जखम जोड़ी, और एक क्या देते हैं सर, पाइका क्योर, ऑर्थोपायरीन और जखम जोड़ी के मेल से गाय को 4-5 टाइम देने के बाद गाय से मेस्टाइटिस पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो उसके बाद अगला ये एक POU क्योर करके ये दवा है। ये किस काम में आती है सर जी? जानवर पोलेक्स दिखाती है उसमें इसका काफी प्रोलैप्स के लिए, जो यूट्रस बाहर दिखाने लग जाती है उसको आप POU क्योर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये श्वास दामनी तो नाम से ही लग रहा है कि जो ढांसने वाली समस्या है उसके लिए ये दवा आपकी होगी। फिर ये कामधेनु का तो अनेक उपयोग है, दूध बढ़ाने में भी सहायक है, उसके ऊपर से जो हर बीमारी के साथ एज ए विटामिन की तरह है ये, इसको आप विटामिन की तरह कामधेनु को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये अगली दवा एक है ROP क्योर, ये क्या है? ये यूट्रस को साफ करने में काम करता है और जेर गिराने में काफी अच्छा इसका योगदान। अच्छा, तो मतलब बच्चा देने के बाद इसको देना होता है, अगर इन्फेक्शन हो यूट्रस में तो आप इसको देखकर क्लियर कर सकते हैं। हाँ, और कितने दिन देना होता है इसको? इसको 10 दिन तक देना रहता है, 10-10 मतलब दो भाई अगर आप खिला देते हैं तो आपका काम हो जाता है। जहाँ अगर आप वहीं यूट्रीवाई वगैरह या दूसरे किसी भी दवा की कंपनी का दवा इस्तेमाल करते हैं तो 600-700-800 रुपए जैसा पैसा लगता है, जबकि ये जो है 60 × 120 रुपए में आपका काम हो सकता है। बट ये अपने अपने विश्वास की बात है, हम ये नहीं बोलते हैं कि ये एकदम 100% सही है, लेकिन हमारे यहाँ जो रिजल्ट है, हमारे यहाँ भी एक गाय बीमार है उसमें भी हम लोग यही दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, जख्म जोड़ी इस्तेमाल हो रहा है, पाइका क्योर और ऑर्थोपेरिन यूज़ हो रहा है। एक जो बाछी हमारी है वो थोड़ा सा यूट्रस दिखा रही थी तो उसको हम लोग वो POU के क्योर दे रहे हैं। अच्छा, ये क्या है? ये एक अलग दवा लग रही है, EP टैब्स। जैसे कोई गाय का जो बच्चा है मिसकैरेज होता है वहाँ पर एक काफी योगदान देता है। अच्छा, मिसकैरेज को रोकने के लिए। और एक अंतिम जख्म जोड़ी और पाइका की ओर के बारे में हो गए। अच्छा सरोज जी, जैसे मान लीजिए बिहार में लोग को तो अब ये आपका कहाँ कहाँ उपलब्ध है इस सारा दवा? देखिए, बिहार में आपको दुल्हिन बाजार में अवेलेबल करवा दिए, बक्सर, आरा, पटना और गुजरात से मुख्य बिंदु होता है, लेकिन बाकी सब जगह अब किसान जुड़ रहे हैं तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग अब रख रहे हैं। तो इस राजू भैया के भी फार्म पे आपका जो है दवा चला था, एक गाय जो चखम हुआ था उसको, तो वहाँ पे भी FMD में भी आपकी दवा चलाई गई थी। FMD का तो रिजल्ट अब सब लोग जान गए हैं। और देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जितने लोग को हम दवा सप्लाई दिए सब लोग का फीडबैक लिए, करीब करीब 3000 लोगों का हमने फीडबैक लिया है FMD में, 3000 लोग में एक का भी शिकायत नहीं है। दूसरी चीज, थोड़ा सा होम्योपैथी के साथ बस एक ये चीज है कि थोड़ा सा इंतजार करने वाला चीज है, आप जल्दी घबरा जाइएगा तो चीजें जल्दी ठीक नहीं हो पाती हैं। इसमें है कि आपको 5-10 दिन का समय देना होता है बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक होने में, लेकिन ये जो खत्म करता है ये जड़ से खत्म करता है। हम लोग इसका रिजल्ट देखे हैं, ऑर्थोपायरिन और जख्म जोड़ी का कॉम्बिनेशन का मेस्टाइटिस में बहुत अच्छी दवा लगी है हम लोग को। और उसके अलावा जो है दूध गंगा भी हमारे यहाँ कुछ दिन चला है, दूध गंगे का भी रिजल्ट रहा है। दूध गंगा का हम आपको जो है इस स्क्रीन के दौरान पूरे चलते हम सरोज जी का नंबर भी डाल रहे हैं ताकि आप सरोज जी से संपर्क करके ये सब दवा अगर चाहें तो मंगवा सकते हैं, टेस्ट कीजिए। कोई बहुत महंगी दवा नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत महंगी दवा है और ये आप खरीदबे कीजिए, लेकिन अगर एकाध कोई बीमारी हो तो उसमें टेस्ट करके देखिए, अगर टेस्ट में आपको सही उचित लगे तो फिर आगे भी सरोज जी से आप कंटिन्यू परचेज कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ भी ये जो है एजाज भाई के थ्रू ही आए थे और अभी इस समय हमको थोड़ा सा आवश्यकता पड़ गई अचानक, और जिस गाय को हुआ है वही गाय हमारी 39 लीटर वाली गाय है, तो उस पर हम लोग जो है इनको बुलाए हैं और ये देखे हैं, और देखने के बाद जो है सारी दवा जो है बताए हैं और भी बाछी को भी बताए हैं, बाकी गाय के लिए भी जो है गाय को रिफ्रेश करने के लिए भी बताए हैं कि कुछ दिन कामधेनु चलाना है, साथ में क्या चलाना है, पाइका क्योर और कामधेनु जो है सब गाय को 5-5 दिन दे देना है ताकि जो भी गाय में कोई भी समस्या हो छोटी मोटी होगी तो वो दूर हो जाएगी। पाइका क्योर से कीड़ी वगैरह का भी जो है काम करता है वो। तो यही था आज का वीडियो, सरोज जी के साथ होम्योपैथी के ऊपर हम लोग बात किए, सरोज जी की सारी दवाओं के बारे में बताए आपको, अलग अलग दवाएं हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन फ़ोन पे ले सकते हैं, और बाकी इनका कुछ विजिट चार्ज होता है अगर आप अपने यहाँ विजिट कराना चाहते हैं, 100-200 गाय का फार्म है तो कुछ विजिट चार्ज आप लेते हैं ना, तो जो भी विजिट चार्ज दे करके आप बुला सकते हैं, आपकी गायों को का इलाज ये वहाँ आकर के करेंगे। और देखिए, इलाज करके चले जाने से नहीं होता है, आपको उस इलाज पे जैसा सरोज जी बताएंगे वैसा बहुत सारा छोटा छोटा ऐसा चीज, जैसे अभी हमारे यहाँ बताए कि गर्म पानी में नीम का छाल डाल करके कुछ गाय को पिला दीजिए जिसको घाव बार बार हो रहा है ताकि उसका ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाए, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे लौंग का कैसे इस्तेमाल करना है गायों में, कैसे हल्दी का इस्तेमाल करना है, गाय के स्वास्थ्य को या रुमन को सिर्फ इस दवा के बारे में ही नहीं बताते हैं, गाय के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो आप लोग संपर्क कीजिए इनसे भी, ये भी आपको सारी बातें बताएंगे, और ये सारी दवाओं का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो हम कर रहे हैं,
और ये कोई प्रचार वाली वीडियो नहीं है कि हमको सरोज जी कुछ पैसा दे करके प्रचार करा रहे हैं, प्रचार हम लोग नहीं कर रहे हैं, मेरे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है और ये जो है हमारे यहाँ रिजल्ट है। तो हम लोग एक चूँकि आए थे हमारे यहाँ दिन भर, आज विजिट किए हैं और दिन भर हमारे यहाँ रह के उस गाय का इलाज किए हैं, तो हम लोग एक छोटा सा वीडियो इस पर भी बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान तक सस्ती दवा और सस्ता इलाज भी पहुँचा सके। धन्यवाद।